तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि लाइक जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस कितनी देर में होता है, यानी कितना टाइम वो लेती हैं, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, और जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, छोटी कंपनी, तो वो कितना टाइम लेती हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस में, जो मेल आई डी वगैरह, जो आई डी कार्ड वगैरह आपको मिलता है, तो इन दोनों में एक्चुअली में कितना टाइम लगता है, उनका क्या प्रोसेस होता है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आई डी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से इस छोटी सी इंट्रो के बाद। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनमें क्या है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आया, ऑफ़र लेटर आया, सारा कुछ मेल पे होता है उनका जो भी है। अगर आप फ्रेंचाइजी या थर्ड पार्टी के पेरोल पे हो तो फ्रेंचाइजी या थर्ड पार्टी या कंसल्टेंसी आपको मेल, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह भेजती है। एंड अगर आप कंपनी के ऑन रोल पे हो तो वो डॉक्यूमेंट सारे कंपनीज आपको भेजती है ऑन मेल। इसके बाद आप वहाँ पर जाओगे तो 2-4-5 दिन आपको ऐसे ही बिठाएंगे, नॉर्मली वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट दिखाएंगे, जो सीनियर्स होंगे आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, और नॉर्मली मिनिमम आप ये मान के चलो कम से कम 15 से 20 दिन आपके लग जाते हैं एक आईडी कार्ड बनने में। एंड जो सेकेंड होता है, जो कंपनी की मेल आईडी वगैरह होती है, उसमें 10-15 दिन लग जाते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि उनका इतना बड़ा प्रोसेस ही होता है कि। एंड दोस्तों, जो सेकेंड हैंड पे होता है वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका भी चलता रहता है, इसलिए इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, लाइक मेल आईडी क्रिएट होने में, आईडी कार्ड बनने में, एक्सेस कार्ड बनने में। तो ये सारी चीज़ों को लेके अराउंड 10 से 15 दिन आपको वहाँ पे लग जाते हैं। एंड जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल अपने में हैं, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो उनका एक ट्रेनिंग प्रोसेस भी होता है। ट्रेनिंग प्रोसेस इन द सेंस, आप ये मत डरो कि ट्रेनिंग में फेल हो गए तो बाहर निकाल दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनका एक फॉर्मेलिटी ट्रेनिंग होता है कि लाइक आपको 80% उसमें मार्क्स लाने हैं या 90% लाने हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं। पहले वो थ्योरी रहती है सारी चीज़ें, फिर उसी थ्योरी में वो ऑप्शनल क्वेश्चन बना के आपको दिए जाते हैं, तो वो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी होती है, लाइक जो हरेसमेंट वगैरह का होते हैं या कमेंट्स टाइप के, जो नॉर्मली ट्रेनिंग होती है सिक्योरिटी वगैरह की, इस तरीके से वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग या सिक्योरिटी दी जाती है। जब आप वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो पूरा प्रोसेस, उसके बाद आपका जनरेट हो जाता है आईडी कार्ड और मेल आईडी, और हो जाते हो आप ऑन द जॉब। एंड दोस्तों, अगर मैं बात करूँ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की, तो छोटी कंपनी है, लाइक 100, 200 या 300 एम्प्लॉयज हैं अगर उस कंपनी में, तो आपका क्या होगा, आप वहाँ पे गए, वहाँ पे छोटा सा एक सर्वर उनका रखा है, सारी चीज़ें 1 या 2-3 बंदे मैनेज कर रहे हैं, तो आप पहले ही दिन गए, हो सकता है आईडी कार्ड में 8 से 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि वो प्रिंट आउट बाहर से मंगवाते हैं, लाइक उनके जो वेंडर्स होते हैं जो आईडी कार्ड प्रिंट करते हैं वो मंगवाते हैं, तो 8 से 10 दिन लग जाता है। एंड जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक मेल आईडी क्रिएट करना, आपके लिए सिस्टम रेडी करना, या आपका यूज़र नेम लॉगिन वगैरह देना, तो ये आपको मैक्स 3 से 4 दिन में ही मिल जाता है वहाँ पे। बस ये है कि काम आपको फिर धीरे धीरे वो सिखाते रहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एज़ कम्पेयर टू मल्टीनेशनल कंपनी, छोटी कंपनीज़ में जल्दी हो जाती है, यानी जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें ये काम बहुत जल्दी फास्ट हो जाते हैं। एंड रही बात जो गूगल ड्राइव होता है या शेयर ड्राइव वगैरह का एक्सेस होता है, तो ये सब में सेम होता है, अराउंड आपको 1.5 से 2 महीने या 2.5 महीने भी शेयर फोल्डर वगैरह का एक्सेस लेने में मिल जाते हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो या स्मॉल कंपनी। यानी कि जो एक मैं आईटी प्रोफाइल को लेकर अगर बात करूं, तो आप किसी भी कंपनी में जाओगे आपको 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे पूरा काम का हैंड ओवर लेने में, या वो पूरा काम का हैंड ओवर तभी देंगे जब आपको 1.5 से 2 महीने उस ऑर्गेनाइजेशन में हो जाएंगे। तो आप ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि यार मेरे से काम नहीं ले रहे हैं, मेरा आईडी कार्ड नहीं बना, मेरा जो मेरा ईमेल आईडी नहीं बन रहा है, मेरा सिस्टम नहीं है, मेरा यूज़र नेम पासवर्ड नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल देना कि ये नहीं मिल रहा, तो ऐसा तो नहीं कि मेरी जॉब चली जाएगी या मैं टर्मिनेट हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनका जो टाइम होता है, जो प्रोसेस होता है, वो फॉलो करते हैं। इनकेस अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इन्फॉर्म भी करते हैं, आपके जो बॉस मैनेजर है एचआर टीम आपको बताती है आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, और फिर वो डिपेंड करता है कि वेरिफिकेशन कितनी जल्दी हो जाता है, जितनी जल्दी आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उतनी जल्दी आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे ही रेड कलर का बटन दे रहा हो वहाँ पे क्लिक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर जॉब टेक्नोलॉजीज एंड एक्सपीरियंस लेटर के बारे में वीडियोज आते रहते हैं, एंड जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपका मिस ना हो, सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लें। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पे मैं ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूँ। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद।
जय भारत।